वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और इस किस चैप्टर के हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में आने वाले लेक्चर में हम इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मीन्स जिससे चांसेस होते हैं कि बोर्ड में हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ये टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन सब टॉपिक के बारे में एक एक करके क्लियर करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप सब कमेंट करके पूछ सकते कि मैम हमें इस टॉपिक के बारे में जो है जानकारी चाहिए, इस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कशन करना है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, उन सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए जो शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसके पूछे जाने के चांसेस 99% होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ एलिस ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जैसे बोल दिया जाता है ये डायग्राम आपको बनाना है, बनाने के बाद कुछ उसमें लेबलिंग दे दी जाती है, बोला जाता है ये लेबलिंग आपको इस डायग्राम में क्या करना है, फिल करना है, भरना है, या फिर सिंपली पूछ दिया जाए, दे दिया जाए कि बस डायग्राम बनाना है, या फिर डायग्राम बना के दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें लेबलिंग करनी है। तो इसमें बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना भी है और कुछ पार्ट्स दिए गए उनकी लेबलिंग भी करनी है। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। ओव्यूल तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बट हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में दिया गया है, तो हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे, बाकी और किसी भी ओव्यूल्स के बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। जो टाइप्स दिए गए उसी टाइप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बाकी और किसी भी टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल का हमने डायग्राम बना लिया। अब सबसे पहले लेबलिंग किसकी करनी है, न्यूसिलस की करनी है। किसकी लेबलिंग करनी, न्यूसिलस की। तो न्यूसिलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूसिलस यहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज इंट्रीग्यूमेंट। यहाँ पे आउटर और इनर इंट्रीग्यूमेंट के बारे में बात नहीं की, सिंपली इंट्रीग्यूमेंट के बारे में बात की। तो हम कहीं भी इनर आउटर किसी में भी कर सकते हैं, ये तो हो गया आउटर इंट्रीग्यूमेंट। उसके बाद एंटीपोडल की बात की गई। एंटीपोडल यहाँ पे अपर साइड में तीन सेल्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है उसी को एंटीपोडल सेल्स बोलते थे, एंटीपोडल हो गया। फिर चलाजा ऊपर वाला क्या होता है, चलाजल रीजन होता है, हो गई चारों लेबलिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इमेसिकुलेशन क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब इमेसिकुलेशन होता क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। इमेसिकुलेशन का मतलब होता है बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, फोर्सेप्स की हेल्प से एंथर को रिमूव कर देना। किस में रिमूव करेंगे हम, बाईसेक्सुअल फ्लावर में हम क्या करेंगे, फोर्सेप्स की हेल्प से एंथर को रिमूव कर देंगे ताकि उसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम फोर्सेप्स की हेल्प से एंथर को रिमूव कर देते, उस प्रोसेस को कहते हैं इमेसिकुलेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यही है अगर किसी भी स्पीसीज में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो कभी भी वेरिएशन नहीं क्रिएट होगा, और जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तभी वेरिएशन होगा। अभी जैसे हम सेम स्पीसीज के साथ लगातार क्या कराते जा रहे हैं, ब्रीडिंग कराते जा रहे हैं, ब्रीडिंग कराते जा रहे हैं, तो जितनी भी नई स्पीसीज बनेंगी वो क्या होगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी किसकी, अपने पेरेंट्स की। तो अगर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जो नई स्पीसीज बनेगी वो भी सेम टू सेम होगी किसकी, अपने पेरेंट्स की। कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसको रिमूव करना, और रिमूव हम सिर्फ और सिर्फ बाईसेक्सुअल फ्लावर में ही करते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो अलग अलग होता है, मेल भी अलग फीमेल भी अलग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेट कर रहा है बट इसमें आंसर कुछ अलग होगा। है क्या क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इमेसिकुलेशन, आप इमेसिकुलेशन से क्या समझते हैं, व्हेन एंड व्हाई डज अ प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक, कब और क्यों जो है जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इस टेक्निक का यूज क्यों करते हैं। आंसर तो लगभग ही सेम है। इमेसिकुलेशन होता क्या है, फोर्सेप की हेल्प से एंथर को रिमूव करना, बाईसेक्सुअल फ्लावर, उसे हम कहते हैं इमेसिकुलेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों होती, मीन्स इसको करना जरूरी क्यों, इस टेक्निक का यूज हम करते क्यों हैं। बाईसेक्सुअल फ्लावर में इसका यूज किया जाता है
टू रिमूव द किसी मतलब किसी को भी रिमूव कर दे, मेल फीमेल मीन्स एंथर को हम रिमूव कर देंगे। जब एंथर को हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, कहीं और से पॉलन आएगा, जब कहीं और से पॉलन आएगा किसी और स्पीसीज से पॉलन आएगा तब क्या होगा, उसमें वेरिएशन क्रिएट होगा। बट अगर उसी स्पीसीज से उसी में ही ट्रांसमिशन हो रहा है पॉलन का तब क्या होगा, वेरिएशन नहीं होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या कराते हैं, इमेसिकुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फोर वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पॉन्ज, जिनकी चार वॉल लेयर का नाम लिखो। सबसे पहला क्या होता है, इपिडर्मिस। दूसरा क्या होता है, इंडोथेशियम। तीसरा क्या हो गया, मिडिल लेयर। और चौथा क्या हो गया, टेपिडर्म। ये चार लेयर होती हैं। अगर किसी क्वेश्चन में चारों लेयर का फंक्शन पूछा है तो हम फंक्शन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपिडर्म क्या होता है और टेपिडर्म का फंक्शन क्या होता है। टेपिडर्म जो होती है वो इनर लेयर होती है माइक्रोस्पॉन्जियम की, सबसे अंदर वाली लेयर को बोला जाता है टेपिडर्म। टेपिडर्म का काम क्या होता है, टेपिडर्म जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको नरिश करता है। तो टेपिडर्म इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पॉन्जियम और इसका काम क्या होता है, टू नरिश द जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है उसको नरिश करने का काम किसका होता है, टेपिडर्म का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोगैमी एंड जिट्रोगैमी। पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैसे इसमें पूछा गया कि ऑटोगैमी और जिट्रोगैमी के बीच में क्या डिफरेंस होता। ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे उसे बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या समझे सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, ऑटोगैमी का क्या मतलब होता है, जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होगा उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे उसे बोला जाता ऑटोगैमी। नेक्स्ट इज जिप्नोगैमी क्या होता है, जिप्नोगैमी का मतलब जैसे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्लावर मतलब प्लांट सेम होगा बट दूसरे फ्लावर के एंथर से और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे उसे बोला जाता है जिप्नोगैमी। फिर से समझते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, ठीक है, अब इसी प्लांट में दो सनफ्लावर के फ्लावर जो है निकले हुए हैं। अब इसी मतलब जैसे इस सनफ्लावर के प्लांट से जो है इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे जब पॉलन आएगा, प्लांट सेम है फ्लावर अलग अलग है, तो इस तरीके से पॉलन का ट्रांसमिशन होगा उसे बोलते हैं जिप्नोगैमी। और जब इसी एक ही फ्लावर में इसी फ्लावर के स्टिग्मा मतलब एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन का ट्रांसमिशन होगा उसे कहते हैं ऑटोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिस्फॉर्म एंड पेरिकार्प के बीच में डिफरेंशिएट करना है। पेरिस्फॉर्म क्या होता है, परसिस्टेंट न्यूसिलस। जैसे कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें उनका न्यूक्लियस मल्टीपल डिवीजन करता है, मीन्स बहुत ज़्यादा डिवीजन हो करता है, जिसकी वजह से उनका फूड मटेरियल जो है स्टोर तो होना ही है तो किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वही जो बचा कुचा न्यूसिलस होता है, परसिस्टेंट न्यूसिलस जो होता है उसे बोला जाता है पेरिस्फॉर्म। पेरिकार्प क्या होता है, जो फूड की आउटर कवरिंग होती है उसे बोला जाता है पेरिकार्प। किसी किसी फ्रूट्स का पेरिकार्प जो है बहुत ज़्यादा फ्लैसी होता है, किसी का ड्राई होता है। जैसे मैंगो का क्या हो गया, फ्लैसी होता है। कोकोनट का क्या होता है, ड्राई होता है। तो ऐसे बहुत सारी स्पीसीज होती है जिसका पेरिस्फॉर्म क्या होता है, पेरिकार्प जो होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है, किसी किसका फ्लैसी होता है। तो ये डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में, पेरिस्फॉर्म एंड पेरिकार्प के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी फोर एडाप्टेशन द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव राइट टू एग्जाम्पल। इसमें मतलब जो विंड पॉलिनेशन होता है उसका चार एडाप्टेशन बताना है, मीन्स फोर इंपॉर्टेंस बताना है कि किस टाइप का फ्लावर, किस टाइप का पॉलिन होना चाहिए कि उसमें विंड पॉलिनेशन होगा, या फ्लावर किस टाइप का होना चाहिए, और उसके दो एग्जांपल लिखने। पहली बात तो पॉलिन लाइट होना चाहिए, और कहना कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी। लाइट होगा तभी तो एयर की मतलब हवा चलेगी तभी तो वो उड़ेगा, अगर लाइट नहीं होगा हैवी होगा उड़ेगा ही नहीं। तो लाइट होगा तो इजिली वो उड़ जाएगा और किसी भी प्लांट में आ जाएगा। नॉन स्टिकी क्यों होना चाहिए, स्टिकी होगा तो वो प्लांट से निकला पॉलन कहीं भी आके स्टिक कर जाएगा, वो अपने टारगेट फ्लावर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। नेक्स्ट नेचर कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए। फेदरी और लार्ज, जब लंबा होगा तो इजली जो है उसमें हो जाएगा, और फेदरी मतलब उसके बहुत सारे फेदर्स होते हैं, जैसे मेज, मेज में क्या होते हैं बहुत सारे फेदर्स होते हैं स्टिग्मा पे, उस टाइप का फ्लावर होना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लावर का अरेंजमेंट
इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, फ्लावर का अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट जब प्रॉपरली होगा उसमें विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट कैसा होना चाहिए नेचर, फ्लावर नॉर्मली हैव अ सिंगल ओव्यूल, एक सिंगल ओव्यूल जब प्रेजेंट होगा तभी उसके अंदर विंड पॉलिनेशन होगा। एग्जाम्पल मेज एंड ग्रासेस, इन सब में क्या होता है विंड पॉलिनेशन। तो देखो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पॉलिनेशन से रिलेटेड पूछे गए हैं, पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा थे। यहाँ पे तो हमने विंड पॉलिनेशन के बारे में ही डिस्कस किया, आने वाले लेक्चर में और भी जितने भी पॉलिनेशन उससे कैसे क्वेश्चन पूछाता है, उससे किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछाता उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन का डिस्कशन करना, मीन्स किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।